मैं आपका प्रमोद चतुर्वेदी, ब्लॉक अध्यक्ष, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जवाहर। आप धरना आपके कब से चालू है, कब से आप धरने बैठे हैं? यहाँ जवाहर ब्लॉक में वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में 13 तारीख से चालू है, लेकिन जवाहर ब्लॉक में हमारे 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारा संविलियन लोकायुक्त प्रकरण लिखकर नहीं किया जा रहा है, वो संविलियन किया जाए, गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, क्रमोन्नति के आदेश अभी लंबित हैं उनको जारी किया जाए, साथ ही हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन हम सब लोगों को बहाल की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मालती है। धरने पे आज क्यों बैठे हैं आप? धरने पे इसलिए बैठे हैं सर कि हम लोगों की पुरानी पेंशन, बुढ़ापे का सहारा और जो सहायक अध्यापक हैं इनका लोकायुक्त प्रकरण हर बेर हम लोगों को बैठक करते हैं। अभी भूख हड़ताल मई में भी किए थे, लेकिन कोई उसको आश्वासन दे करके बोले चुनाव है, लेकिन चुनाव में आप लोगों का कोई इसमें वो नहीं दिया जाएगा, फिर भी आप लोगों को जब जाएंगे तो आपको जून में आदेश दे करके भेजेंगे सब मिलने के, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम धरने में बैठे हैं, अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग फिर से अमरण अनशन बैठेंगे और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। सर, माननीय मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांगे हैं? हम लोगों की ये मांगे हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दें और जो सहायक अध्यापक हैं इनका लोकायुक्त प्रकरण और संविलियन जो है इनका नियुक्ति से संविलियन हो। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।